नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वैट की, वैल्यू एडेड टैक्स मूल्य वर्धित कर। मेरे बहुत से व्यूअर हैं जो कह रहे थे कि सर वैट के ऊपर, मोड वैट के ऊपर, सेन वैट के ऊपर और जीएसटी के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो ये जो है पहला वीडियो है जिसमें आपको मैं वैट क्लियर करूंगा। अगर आप वैट समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से मोड वैट को, सेन वैट को और जीएसटी को समझ लोगे। तो बड़े ध्यान से, बड़े मनन से इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिक। दोस्तों आइए हम बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स वैट की। पहले मैं बता दूं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जब भी मैं बात करता हूं वैट की तो ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने की प्रक्रिया है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेस बना के लगाए जाते हैं वो सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और चूंकि चाहे हम वैट की बात कर लें, हम मोड वैट की बात कर लें, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात कर लें या जीएसटी की बात कर लें, सबका जो बेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज है। इसका मतलब ये सभी के सभी जो टैक्स जिस पे हम चर्चा करेंगे अब वो इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। इसका बेस या तो गुड्स होगा या तो सर्विसेज। हम देखेंगे कि इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है और इसी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हम टैक्स इंपोज करेंगे। तो दोस्तों वैट, जीएसटी, सेन वैट, मेड वैट ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं। डायरेक्ट टैक्स में हम उनको इंक्लूड करते हैं जो इनकम या वेल्थ को बेस बनाकर लगाए जाते हैं। तो उसकी चर्चा फिलहाल अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम चर्चा करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। इसमें किस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट ने इसके लिए व्यवस्था किया, क्या क्या तरीके खोजे जिससे कि ये बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए और जीएसटी अंततः क्यों आया और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए भारत में, भारत की इकोनॉमिक बाउंड्री में कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को रही है। पहले जो है जीएसटी के पहले आप देखिएगा तो वहां पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। भारत में कोई भी विनिर्मित वस्तु हो, कोई भी विनिर्मित वस्तु हो और कहीं भी बनाई जाए, आप सोचो जरा, अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टाटा की यूपी में है, अगर टाटा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र में है, टाटा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में है, तो उसके ऊपर उस स्टेट की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी बल्कि उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया था। दोस्तों इसका मतलब कोई भी गुड्स कहीं भी प्रोड्यूस हो जाए, 94 में मैं बताऊंगा सर्विस टैक्स आया था तो उसके पहले अगर आप देखोगे तो सबके ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने का अथॉरिटी था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही था। और जब 1994 से 1994 से जब सर्विस टैक्स आया, पहले बार सोचा गया कि सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाए, तो ये अलग से टैक्स था सर्विस टैक्स। तो कोई भी गुड्स कहीं भी प्रोड्यूस हो जाए भारत की इकोनॉमिक बाउंड्री में उसके ऊपर टैक्स लगाने का अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सेंट्रल स्टेट के फेरी में नहीं आते हैं, जैसे आप देखोगे शराब है, अफीम है, गांजा है, भांग है, जो नरकोटिक्स वाले आइटम है और जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने का अथॉरिटी राज्य सरकारों का है। इसका मतलब जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है बल्कि इन पेय पदार्थों के ऊपर जो मादक हैं बेसिकली कि मैंने जो बात की उसके ऊपर टैक्स लगाने की अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए आप देखते होंगे, आप स्प्रिंट है तैयारी करते हैं, दो तरह के आपके पास एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, एक जो एसएससी के थ्रू चयनित होते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाले और एक आपका लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश भी कराता है, और वो एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं वो सिर्फ नशीली चीज़ों के लिए देखते हैं, वो देखते हैं आपके ऊपर शराब के ऊपर, अफीम के ऊपर, गांजा के ऊपर प्रोडक्शन का अधिकार है। तो दो तरह के आप देखते हो एक्साइज इंस्पेक्टर, एक स्टेट लेवल जो लोअर सबॉर्डिनेट के माध्यम से चयनित होते हैं और एक सेंट्रल लेवल पे जो आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में आप देखते हो काम करते हैं, आपके कुछ दोस्त होंगे भी। तो मैं ये बता रहा था दोस्त कि इकोनॉमी के, हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसके ऊपर राइट था सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की। लेकिन आप यह सोचो टाटा ने जो है मैन्युफैक्चरिंग की गुजरात में, बट अगर वो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है यूपी में तो सेल टैक्स लगाने का जो अधिकार था वो राज्य सरकारों का था। मतलब कहीं भी प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेगी और वो कभी भी जब बिकेगा तो राज्यों का अथॉरिटी था सेल टैक्स लगाने का, बिक्री कर लगाने का, और ये बहुत बड़ा सोर्स होता था राज्यों का। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो ये है कि जब हम वैट की बात करेंगे तो अब देखिए दो चीज़ें इसमें आ जाएगी,
एक तो हम वैट में बात करेंगे कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसको हम एक वैट मॉडल से कलेक्ट करें। एक्चुअली में वैट कोई टैक्स नहीं है, वैट एक मेथड है जिसके माध्यम से हम इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करेंगे। इसको अभी आपको इस एग्जांपल से मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि एक तरह से भ्रांति है कि वैट कोई टैक्स है, वैट एक्चुअली एक मेथड है जिससे हम इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करेंगे। तो जो वैट है भारत में वो तीन तरह का वैट आप समझो, एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैं कह रहा हूं लगती थी उसके ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसको पे वैट लगाना पहला चीज, जिसको हम सेन वैट कह रहे थे बहुत दिन तक और अब वो जीएसटी का पार्ट हो गया है। दूसरा जो राज्यों में सेल टैक्स है जिसकी बात मैं कर रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी प्रोड्यूस हो बट जिस राज्य में सेल की जाएगी उसके ऊपर सेल टैक्स लगाने का अथॉरिटी राज्य सरकारें हैं, तो जो वो सेल टैक्स है वहां पर भी वैट लगाना। तो पहला कहां लगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगा रही है उस वैट से वहां टैक्स कलेक्ट करना जिसको सेन वैट कहते थे, अब वो जीएसटी का पार्ट है उसमें सब्स्टिट्यूट हो गया है। बाकी जो है यहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट की सेल टैक्स बिक्री करती उसके आधार पे बिक्री करके जगह पे वैट लगाना, और तीसरा इन दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म लेके आना जिसको हम बोलेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सबको सब्स्टिट्यूट कर लेगा, सब उसके पेरिफेरी में आ जाएंगे। तो एक्चुअली अगर ये तीनों चीजें जब बन के अब इंप्लीमेंट हो गई हैं तो ये जीएसटी की पार्ट हो गई है। मतलब तीन भागों में बटा था शुरू में वैट कि पहले आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को वैट मेथड से कलेक्ट करो, राज्य सेल टैक्स करते उसको आप वैट मेथड से कलेक्ट करो और अंतिम सबको एक साथ जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका जीएसटी जिस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि जो एक्चुअली जो वैट है वैल्यू एडेड टैक्सेस मूल्यवर्धन कर ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता था और ये पहले का जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उससे किस तरीके से भिन्न है उसको इस एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए और आप बहुत अच्छे से आने वाले क्लास को समझें कि जीएसटी क्या है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और ये एग्जांपल में मैं बता रहा हूं कि जो प्रोडक्ट है कुछ स्टेज में आपके सामने आते हैं। देखिए प्रोडक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ एक ही स्टेज में आपके पास कंजम्पशन के लिए आ जाए, सिर्फ एक स्टेज में, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो कई स्टेज में आपके पास है प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए। तो यहां पे मैं देख रहा हूं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें यह दिखाया गया है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पास कंज्यूम होने के लिए कई स्टेज में आपके सामने आ रहा है। अब देखिए यहां पे मैंने स्टेजेस की बात की, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 और ये पांचवें स्टेज में कंज्यूमर के पास आ रहा है। अब देखो जो प्रथम स्टेज में फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो कॉटन है, वो कॉटन है और उसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो 500 करोड़ है। यहां पे हमने प्रोडक्ट वैल्यू को बहुत ध्यान से दीजिएगा करोड़ रुपए में लिया है, तो ये दिखा रहा है कि किस भारत की इकोनॉमी है और भारत की इकोनॉमी में कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है और ये जो उसकी प्रोडक्ट वैल्यू है 500 करोड़ की है। दूसरा मैं बात कर रहा हूं यहां पे वैल्यू एडेड की, अब मैं बात कर रहा हूं वैल्यू एडेड की। जब इकोनॉमी में 500 करोड़ का कॉटन बना तो जो फर्स्ट स्टेज में जो मूल्य वर्धन हुआ, मूल्य में वर्धन वैल्यू एड, वो वैल्यू एड हुआ आपका 500 करोड़ का ही। लेकिन सेकेंड स्टेज में आप देखिए इसी कॉटन से थ्रेड बना है, धागा, जब धागा बना तो वर्धमान आया, बहुत ध्यान से समझिए, और उसने क्या किया कॉटन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया और उसमें फर्दर प्रोसेसिंग की। मतलब क्या किया, वर्धमान ने कॉटन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया और उसने लेबर लगाया, कैपिटल लगाया और इस कॉटन को कन्वर्ट कर दिया थ्रेड में, ये बना दिया धागा। अब देखिए इकोनॉमी में जो मैंने कहा कि 500 करोड़ के प्रोडक्शन हुआ था कॉटन का, अब वो 1100 करोड़ मतलब 1100 करोड़ का प्रोडक्शन हो गया थ्रेड का, धागा का। अब बहुत ध्यान से समझिए, प्रश्न ये है कि जो टैक्स है वो कहां लगाया जाए, प्रोडक्ट के ऊपर, फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर, या फिर मूल्यवर्धन के ऊपर। तो सबसे पहले मूल्यवर्धन समझिए, जब कॉटन से ये थ्रेड बना है तो 500 करोड़ तो रॉ मटेरियल का कॉटन था और 1100 करोड़ ये थ्रेड बन गया, इसका मतलब जो वर्धमान में कंट्रीब्यूशन किया लेबर और कैपिटल के माध्यम से वो इकोनॉमी में 600 करोड़ रुपए का है, जो मैं यहां पे दिखाया हूं कि जो मूल्यवर्धन हुआ है वो 600 करोड़ का हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में जो मूल्यवर्धन हुआ वो 600 करोड़ का हुआ है, न कि 1100 करोड़ का, क्योंकि 1100 करोड़ जो ये है 1100 करोड़ है, इसमें 500 करोड़ का रॉ मटेरियल है जो इसमें यूज हुआ था। इसका मतलब जो वर्धमान ने एक्चुअली काम किया है, जो वैल्यू का एड किया है, मूल्यवर्धन किया है, वो सिर्फ 600 करोड़ का है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। फिर जो है आप देखते हो ये जो थ्रेड है इसे क्लोथ बनता है, इसी धागे से कपड़ा बनता है, ओके ना। तो जब ये कपड़ा बनता है तो ये हो जाता है सियाराम आता है और सियाराम इस जो है धागे से कपड़े में बदल देता है, रेमंड आता है कपड़े में बदल देता है और ये 1400 करोड़ का हो जाता है कपड़ा इनका,
क्लोज। तो प्रश्न दोस्त मेरा ये है कि जो 1400 करोड़ है इसमें सियाराम ने या रेमंड्स ने कितने का एक्चुअली वैल्यूएट किया है, क्योंकि वो 1100 का 1100 का रॉ मटेरियल यूज किया है और इससे जो है 1400 करोड़ का क्लोज कंट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब जो इसका वैल्यू एड है वो सिर्फ 300 करोड़ का है। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल उसने 1100 करोड़ का परचेज किया था उसमें 300 करोड़ उसके लेबर ने कैपिटल ने कंट्रीब्यूट किया और ये 300 करोड़ का हो गया। इसके बाद आप देखते हो ये क्लोज जो है सर्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे मुफ्ती आ जाता है और मुफ्ती जो है क्या करता है इस क्लोज को सर्ट में ट्रांसफर करता है और ये 1400 करोड़ से 200 करोड़ रुपए का 2000 करोड़ रुपए का सर्ट बना लेता है। तो अब मैं कहता हूं कि मुफ्ती का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, मुफ्ती ने लेबर और कैपिटल के माध्यम से कितने का कंट्रीब्यूशन किया है। तो आंसर आता है आपका, चूंकि 1400 करोड़ का रॉ मटेरियल था और 2000 करोड़ का इसने सर्ट बनाया है तो कुल इसका कंट्रीब्यूशन है 600 करोड़ का हो गया, 600 करोड़ रुपए का हो गया है। और इसके बाद ये जो शर्ट है वो फिनिक्स मॉल में बिकने के लिए आ जाती है रिटेल में, तो ये फिनिक्स मॉल का जो रिटेलर है उसको 2400 करोड़ जो में बेच देता है। इसका मतलब इसने जो वैल्यूएट किया वो 400 करोड़ का किया। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दो चीज़ें आ गई, एक ये प्रोडक्ट आ गया कॉटन के रूप में, थ्रेड्स के रूप में, क्लोथ्स के रूप में, शर्ट के रूप में, और एक फिर वो शर्ट जो रिटेल में हम परचेज करते हैं इसके रूप में। और यहाँ पे वैल्यू ऐड आ गया 500 करोड़ फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में 600 करोड़, थर्ड स्टेज में 300 करोड़ और फोर्थ स्टेज में 600 करोड़ और लास्ट में 400 करोड़। अब जरा देखो, एक्चुअली में जो हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था जो किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था वो यहां पे टैक्सेशन लगाता था कि कोई प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस हो गया तो हम यहां पे टैक्स लगा देंगे। अगर मान लो आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है हमारी, सेंट्रल एक्साइज हमारी ड्यूटी है वो 10% है, 10% है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर 10% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है और इस पे हम 10% टैक्स लगा दें तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे 50 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल गए। अगर यहां पर भी हम 10% लगा दें दोस्तों, 10% लगा दें यहां पे, तो क्या हो जाएगा 110 करोड़ का यहां पे टैक्सेशन कलेक्शन हो गया। यहां पर भी 10% लगा दें क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बन गया है तो 140 करोड़ का टैक्स हो जाएगा। यहां भी अगर हम 10% लगा दें क्योंकि यहां भी फाइनल प्रोडक्ट बन गया है तो 200 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और यहां पर भी अगर हम 10% का टैक्स लगा दें तो आप देखेंगे 240 करोड़ का हो जाएगा। यहां पर अगर टोटल टैक्स आप जोड़ लीजिए तो 50 करोड़ ये प्लस 110 करोड़ सेकेंड स्टेज में, सॉरी स्टेज की बात ही नहीं हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट है गवर्नमेंट के लिए थ्रेड। और यहां पे देखिए 140 करोड़, यहां पे 200 करोड़, यहां पे 240 करोड़। इसका मतलब जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू है दोस्तों यहां पे काफी बड़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ लें तो यहां 160 और ये हो गया 300, दो 500 और 5 दो 740 करोड़ रुपए हो गए। यहां पे गवर्नमेंट ने अगर ये टैक्स कलेक्ट कर दिया तो 740 करोड़ हो गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है इसको ध्यान से समझिए। जब आपने कॉटन के ऊपर टैक्सेशन किया और 50 करोड़ रुपए आपने वसूले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, लेकिन जब आप थ्रेड के ऊपर जब आप यहां पे टैक्सेशन करते हो तो आपने फिर यहां पे 10% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो 110 करोड़ रुपए आपने कलेक्ट कर लिया। लेकिन आप जरा सोचो, चूंकि 500 करोड़ कॉटन के ऊपर पहले ही टैक्स दिया जा चुका है, बहुत ध्यान से समझिए, चूंकि इस रॉ मटेरियल पे कॉटन पे पहले ही टैक्स दिया जा चुका है 500 करोड़ और आप फिर से 1100 करोड़ पे टैक्स लगा रहे हो 110 करोड़, तो आप जरा सोचो कि इस कॉटन के ऊपर गवर्नमेंट ने यहां डबल टैक्सेशन कर दिया। एक तो पहले टैक्सेशन किया था कॉटन के ऊपर और 50 करोड़ रुपए वसूल लिए थे, फिर चूंकि ये रॉ मटेरियल के रूप में इसमें इंक्लूड है फिर उसके ऊपर टैक्सेशन कर दिया, तो इसको बोलेंगे डबल टैक्सेशन। मतलब एक्चुअली यहां प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स तो लगा ही है, साथ ही साथ यहां पे टैक्स लगा है कर के ऊपर, टैक्स ऑन टैक्स। अब जरा देखो, अगर आप इसके बाद क्लोज के ऊपर जब टैक्स आप लगाते हो तो आपने क्या किया, पूरे क्लोज के ऊपर टैक्स लगा दिया 10% का और 140 करोड़ टैक्स ले लिया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन यहां पे क्या हुआ दोस्तों, इस कॉटन के ऊपर आपने एक तो पहले बार टैक्स यहां लगा था कॉटन के ऊपर, दूसरे बार टैक्स यहां लगा था थ्रेड के रूप में, तीसरे बार टैक्स आपने किसके रूप में लिया, कपड़ा के ऊपर। मतलब इस कॉटन के ऊपर जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज हुआ है, यहां पे सबसे पहले आप 50 करोड़ टैक्स दे दिए, फिर उसके ऊपर इसी कॉटन के ऊपर आपने दूसरे बार यहां टैक्स दिया और फिर इस कॉटन के ऊपर आप तीसरे बार टैक्स दे रहे हो। और मजेदार तो बात यह है कि जो यहां पे जो आप
38 का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर फिर से दोबारा टैक्स ले रहे हो। मतलब कॉटन के ऊपर कितने बार पड़ गया, 3 बार टैक्स पड़ गया, और थ्रेड के बाहर कितने बार पड़ गया, 1 थ्रेड यहां और 1 थ्रेड यहां, 2 बार आपने थ्रेड के ऊपर टैक्स ले लिया। अगर आप क्लोथ के ऊपर 2000 पे फिर 10% टैक्स लेके 200 करोड़ किए, तो आप देखिए कॉटन के बाद अब आप चौथे बार टैक्स ले रहे हो इनपुट के ऊपर, क्योंकि यहां भी कॉटन पे टैक्स लगा था, फिर धागे के रूप में लगा था, फिर कपड़े के रूप में लगा था, और फिर आप किसके ऊपर लगा रहे हो, अब आप शर्ट के ऊपर फिर से लगा रहे हो। इसका मतलब इस कॉटन के ऊपर 4 बार टैक्स लग गया, इस थ्रेड के ऊपर आप देखोगे तो 3 बार टैक्स लग गया, और इस क्लोथ के ऊपर देखोगे तो 2 बार टैक्स लग गया। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन, इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। आप पढ़ते होगे, समझ में नहीं आता है, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट एक शब्द पढ़ते हो आप, प्रपाती प्रभाव, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग इफेक्ट यही कहलाता है, प्रपाती प्रभाव। कि मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप कई बार टैक्सेशन लगा रहे हो, और एक्चुअली टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हो। यहां पे देखो लास्टली अगर आप देखोगे रिटेलर के पास, फिर गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगा के 240 करोड़ वसूल लिए, तो इस कॉटन पे अब की 5वीं बार आप टैक्स लेने जा रहे हो। आप जरा सोचो, क्योंकि यहां भी कॉटन पे टैक्स लिया, थ्रेड के रूप में लिया, क्लोथ के रूप में लिया, होलसेलर से लिया, फिर रिटेलर से, और इस थ्रेड के ऊपर आप 4थे बार टैक्स लगाओगे, इस क्लोथ के ऊपर आप 3रे बार टैक्स लगाओगे, इस शर्ट के ऊपर आप 2रे बार टैक्स लगाओगे। इससे हो क्या रहा था, इससे प्रोडक्ट महंगे हो जा रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप इस मॉडल से कलेक्ट करोगे तो जो प्रोडक्ट कई स्टेज में बनके सामने आएगी वहां पे वो प्रोडक्ट काफी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि एक ही इनपुट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर बारंबार टैक्स लगाया जाएगा, प्रपाती प्रभाव जनरेट होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट। जब प्रोडक्ट आपके महंगे हो जाएंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो कॉम्पिटेटिव नहीं होंगे, आपके इंटरनल मार्केट में भी वो कॉम्पिटेटिव नहीं होंगे। और साथ ही साथ इस बात को बहुत क्लियर समझिए कि जब चीजों का डिमांड नहीं होगा महंगे होने की वजह से, तो आप इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाएंगे, नेशनल इनकम आपकी हाई नहीं हो पाएगी, ढेर सारे एडवर्स इंपैक्ट आएंगे। अगर आप चाहते हो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप प्रोडक्शन हब बन जाओ, आप ही एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कर सको, तो इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट जो है सस्ते होने चाहिए। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो बिग इंसेंटिव आप प्रोड्यूसर की, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा से ज्यादा जब टैक्स जब प्रोड्यूस करेगा तो इससे रोजगार बहुत ज्यादा मिलेगी और हर तरीके से बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इसलिए कहा गया कि ये जो टैक्स आप लगा रहे हैं वो इसमें दोष है, लिमिटेशंस है, इसमें टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बारंबार टैक्स लगा रहे हो। तो अब बताइए हमको टैक्स लगाना चाहिए वैल्यू एडेड मेथड से। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या है कि देखो पहले स्टेज में कॉटन ने वैल्यू एड किया 500 करोड़ का, दूसरे स्टेज में जब वर्धमान धागा आया तो चूंकि 500 करोड़ को उसने रॉ मटेरियल लिया और 1100 करोड़ में इसे कन्वर्ट किया, इसका मतलब इसने वैल्यू एड किया 600 का। फिर देखो जब क्लोज के रूप में रेमंड आता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 300 करोड़ का, क्योंकि 1400 करोड़ में तो 1100 करोड़ को उसने रॉ मटेरियल लिया था ना। इसी तरह जो शर्ट आता है मुफ्ती वो 600 करोड़ का, और अंतिम में जो रिटेलर कंट्रीब्यूट करता है वो 400 करोड़ का। अगर वैल्यू एडेड टैक्स दोस्तों अगर यहां पे अगर आप 10% लें तो आप देखिएगा यहां 50 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे गवर्नमेंट को, दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे 50 करोड़ इकट्ठा होंगे, यहां पे 60 करोड़ इकट्ठा होंगे 10% के रेट से अगर आप लोगे तो, यहां पे 10% के रेट से लोगे तो 30 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे, यहां पे 10% लोगे तो 60 करोड़ इकट्ठा होंगे, फिर यहां पे लोगे तो यहां पे 40 करोड़ इकट्ठा होंगे। अब देखो कहां यहां 720 करोड़ कलेक्ट हो रहा था, यहां पे 50, 110 और 140, 200, 240, यहां सिर्फ 240 करोड़ ही इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की रेवेन्यू घट जा रही है, क्योंकि आप यहां वैल्यू एडेड, सिर्फ जो मूल्यवर्धन हुआ है उसके ऊपर टैक्स ले रहे हो। यहां पे आप जितना वैल्यू एड हो रहा है एवरी स्टेज के ऊपर उसके ऊपर टैक्स ले, और यहां पे आप देखोगे वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कई बार टैक्स हो रहा है, एक्चुअली एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही बार। तो आप जरा सोचिए कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है तो उसको आप एक ही बार तो टैक्स लोगे, और टैक्स के ऊपर टैक्स तो नहीं लोगे ना, आप प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लेते हो ना कि टैक्स के ऊपर टैक्स लेते हो। तो यहां जो लिमिटेशंस थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की, जो बारंबार टैक्स लग रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू लोड आउट कम हो रही है। बट अगर आप देखोगे लॉन्ग रन में तो रेवेन्यू कम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जब चीजें सस्ती हो जाएंगी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं जनरेट होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं होगा, एंटी पुअर्स नहीं होगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, आपके रिच में होगी, तो आप ज्यादा डिमांड बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ाओगे उतना ज्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, और गवर्नमेंट को एक्चुअली देखोगे लॉन्ग रन में इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, लॉस नहीं होगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं,
इलाहाबाद में मैं देखता हूँ राधेलाल स्वीट्स है, एक समोसा 20 रुपये का देता है, शानदार समोसा है। बगल में जो है बिट्ठल भाई भी समोसा बनाते हैं, 6 रुपये का एक समोसा। यूनिवर्सिटी के बच्चे बिट्ठल भाई के समोसा 1 से 2 हज़ार खा लेते हैं, और राधेलाल स्वीट्स का जो है दिन भर में 50 समोसा नहीं बिकता है। एक्चुअली देखोगे बिट्ठल भाई अगर 50 पैसा भी कमाएं तो राधेलाल से ज़्यादा कमा लेंगे। गवर्नमेंट इसी तरह आप देखिए, अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो बिट्ठल भाई की तरह पर यूनिट अगर आप टैक्स 50 पैसे भी पाते हैं। अब हो सके राधेलाल स्वीट्स पर समोसा 10-20 रुपये का है तो 5 रुपया कमा लेता है, लेकिन चूंकि वो 50 समोसा ही बेच पाता है तो आप देखोगे अंततः बिट्ठल भाई से कभी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, क्योंकि ये 2000 समोसा बेच लेते हैं और 1 रुपया भी अगर ये कमाएं तो 2000 रुपया कमा लेंगे। तो कुल मिला जुला के देखो लॉन्ग रन में जब प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो जाएंगे, ज्यादा उनकी डिमांड होगी, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी लॉस नहीं होगी, साथ ही साथ आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, आपके वहां इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है। तो ये जीएसटी एक्चुअली में जीएसटी की मैं बात करूंगा, जो वैल्यू एडेड टैक्स है, मूल्यवर्धन, कोई एक टैक्स नहीं है जो कि आप लोग किताबों में पढ़ते हो और भ्रमित होते। एक्चुअली ये एक मेथड है जिससे हम इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करते हैं। भारत में कहा गया कि इसको लगाना चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आप देखोगे, आप किताबों में हमेशा इसको पढ़ते हो कि इसको जर्मनी में लाया गया, फ्रांस में लाया गया, और फैक्टुअल कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आप देखते हैं कि बैट का जो प्रतिपादन जो है 1918 में F1 सीमेंस ने किया, मॉरिस फोर तथा कार्ल सुप ने इसे विकसित किया। बैट को सबसे पहले 1918 में जर्मनी में टर्नओवर टैक्स के स्थान पर लागू किया था, किंतु यह सफल नहीं हो पाया था। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये उठाया गया है कि 1954 में सबसे पहले इसे सफलतापूर्वक फ्रांस में लागू किया गया था, इसे नोट कर लीजिए, मतलब फ्रांस में सबसे सफलपूर्वक बैट लागू किया गया था। बैट वैसे सबसे पहले 1918 में जर्मनी में लगा टर्नओवर टैक्स के रूप में, लेकिन सफलतापूर्वक फ्रांस ने इसे लगाया। 1967 में यूरोपियन देशों ने इसे लागू कर दिया है, और जापान एक ऐसा देश है जिसने इसे निगम कर के स्थान पे 1950 में स्वीकार किया। यूएसए में वैट लागू ही नहीं है। तो ये तब चीजें कुछ फैक्टुअल हैं जो आप देख सकते हो। भारत में जो है कहा गया था इसको कि मैन्युफैक्चरिंग के स्थान पे लगा सकते हैं, एलके झा कमेटी बनी थी। एलके झा कमेटी कहती है कि नेशनल लेवल पे अभी आप वैट नहीं लगा सकते हो, बात जो है काफी पहले की है, हमको लग रहा है एलके झा कमेटी जो है 1976 में आई होगी, और इसने कहा था कि आप इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लगा सकते हो। तो 1986-87 में मॉडरेट आया था, और ये गिने चुने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर लागू किया था, और बाद में जो है 2004 में इसको सैंडवेट में कन्वर्ट किया गया था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस, मतलब जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेगी अब वो वैट के माध्यम से कलेक्ट करेगी, जिसे हम सैंडवेट करेंगे। तो दोस्तों क्या था वैट, जो है वैल्यू एडेड टैक्सेस था उत्पादन के प्रत्येक स्टेज पे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि वैट के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगते हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर भी टैक्स नहीं लगते हैं, टैक्स लगता है वैल्यू एड, जो एवरी स्टेज में वैल्यू का ऐड हुआ है, जो मूल्य का वर्धन हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये है बेसिक क्लास वैट की। अब मैं आपको सिखाऊंगा जीएसटी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि माता पिता का आशीर्वाद लिया करिए, हमेशा आपके छत्र साया के रूप में खड़े रहते हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद मन से देते हैं, अपनी क्षमताओं के ऊपर कभी भी अपने क्षमताओं को कम मत आंकिएगा। आपकी क्षमताएं अपार हैं। हम लोग भारत में हैं, हम लोग हनुमान जी के वंशज हैं, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती थी। उनको भी लगता था कि मैं लंका नहीं जा पाऊंगा, इस समुद्र को लांग नहीं पाऊंगा, लेकिन जामवंत कहते हैं कि हे हनुमान जी आप एक बार छलांग तो मारिए। बच्चों अपने क्षमताओं को समझो, कई बार आपकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं बट आप बहुत छोटा सोचते हो, तो बड़ा सोचो। अभी जो है बड़ा सोचने का टाइम है, अभी जो है बड़ा करने का टाइम है। रुकिए मत, चलते रहिए, दौड़िएगा मत, रुकिएगा मत, बस चलना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका, गॉड ब्लेस यू डियर।